आज मैं आपको आम पना बनाना सिखाने वाली हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आमी की चटनी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जो आमी बचाई थी उसको मुझे कैसे यूज़ करना है। ये हाफ आमी मैंने पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो इतनी आमी मैंने बचा के रख ली थी। इसी आमी को हमें यूज़ करना है आम पना बनाने के लिए। मैंने यहाँ लिया है आधा कटोरी उबली आमी, एक छोटी गिलासी यानी कि 100 ग्राम चीनी, एक छोटी गिलासी 100 ml के बराबर पानी जो मैं बॉईल कर रही हूँ, इसी में मुझे चीनी को घोलना है। चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। अब जो पानी में हमने आमी उबाली थी उसका पानी निकाल के हमने उसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से इसे हमें मिक्सी में चला लेना है। आमी पिस चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें इस आमी के पेस्ट को जो हमने अभी चीनी का पानी बनाया है उसके अंदर ऐड करना है। सारा पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब मेरे पास ये थोड़े से आमी के छिलके हैं, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फॉर फ्लेवर। आप चाहें तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं, मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका स्वाद कितना अच्छा आता है। इसको हमें एक बॉयल तक पकाना है और उसके बाद गैस को बंद कर देना है। एक उबाला आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और हम इसको छान लेंगे। आमी और आमी के छिलकों को हम पानी से निकाल के इस तरीके से मिक्सी में डाल के इसे एक बारी और ग्राइंड करेंगे। हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। आमी का पेस्ट बन गया है, अब हमें इसे छानना है। कोई एक छन्नी ले लेंगे, चाय छन्नी या इससे बड़ी जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, इसमें इस तरीके से इसको हमें छानना है। चम्मच की सहायता से इसको आप अच्छे तरीके से छान लीजिए ताकि जो लिक्विड फॉर्म है वो सारी की सारी नीचे बाउल में आ जाए। ऐसे आपको 2-3 बार करना पड़ेगा बिकॉज इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। हमने इसके अंदर आमी के जो छिलके डाले हैं वो भी बहुत बारीक पीसना है, तो आप इसे 2-3 बार मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। को फास्ट वेट में ये दिखाती हूँ। आमी के पेस्ट से हमने सारा रस निकाल के इस बाउल में कर लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सिर्फ मैं काला नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच।
अगर आप थोड़ा चटपटा पसंद करते हैं तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब आप कोई भी कांच की बोतल ले लीजिए या कोई भी कांच का जार ले लीजिए, जिसके अंदर आप इस आम पन्ने को स्टोर करके फ्रिज में रख सकें। आम पन्ना स्टोर करने के बाद आप आराम से एक हफ्ता तक उसको पी सकते हैं। देखिए, 100 ग्राम आमी से और 100 ग्राम चीनी को मिलाकर जो हमने ये रस तैयार किया है, इससे एक पूरा बड़ा गिलास हमारा रस निकल के तैयार हुआ है। इसको मैं बोतल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। लीजिए, स्वादिष्ट आम पन्ने की ड्रिंक बनकर बिल्कुल तैयार है, वो भी घर पर। तो चलिए मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। एक गिलास में हम 4 आइस क्यूब्स ले रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच आम पन्ना का रस, जो हमने बनाकर रेडी किया है। अब इसमें ठंडा पानी ऐड कर लीजिए। चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर लीजिए। आमी का आम पन्ना बनके बिल्कुल रेडी है। हमने इतनी सामग्री से 250 ml की एक बोतल आम पन्ना बना लिया है। इस 250 ml से आप 5 गिलास आम पन्ना बना सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 7 दिन तक। तो आप इसे बनाइए, जब मन करे पीजिए। आमी की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।